मेरे सामने ये है बाहुबली थाली जो मात्र 70 रुपए में हम लोगों को मिला खाने को। देख सकते हैं आप, कोई 56 बॉक्स से कम का तो ये लग नहीं रहा। आइए दिखाते तो नज़दीक से दिखा दीजिए क्या क्या है इसमें। ये रहा भिंडी का भुजिया, सैलेड यहाँ पर है। अगर आप भी खाने में शाकाहारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। आज हम आ चुके हैं सचिवालय रोड में जय माता दी भोजनालय में, जहाँ पर आपको 70 रुपए में, जी हाँ 70 रुपए में मिलेगा बाहुबली थाली, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी। पहले सर अपने बारे में बताइए, कब से ये मतलब एक समाज सेवा चल रहा है? 18 बड़ी से चल रहा है। आप ही रहते हैं 18 बड़ी से? जी। अच्छा। हम भी चला रहे हैं 18 बड़ी। शुरू करने का मतलब क्या था कि क्यों शुरू किया गया? रोजगार आदमी थे, सोचे क्या करें, एक दुकान खोले कम पूंजी लगा के। धीरे 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 इसको प्रोग्रेस किए, आगे बढ़ते गए, दुकान को पूंजी बढ़ाते गए, उसके बाद चलते चल रहा है। सेवा ग्राहक को कर रहे हैं, यहाँ के लोग तो खिलाते हैं, ग्राहक को मन से खिलाते हैं, खुश रहे हैं। हम तो कम से कम 13 साल से तो हम आ रहे हैं यहाँ, और इतने कम पैसे में इतना बढ़िया खाना, और घर का खाना इतना टेस्टी खाना पटना में कोई नहीं दे सकता है। बहुत टेस्टी खाना होता है यहाँ, मतलब मैं 5-6 बार से आ रही हूँ और हर बार ही अच्छा ही खाना मिलता है, मतलब कभी यहाँ से डिसअपॉइंट होके नहीं जाती। भुजा हुआ, मरचा, प्याज, सलाद, चोखा, एकदम घर जैसा व्यंजन सजा के दिया जाता है, उस तरह देते हैं लोग। इसके साथ ही यहाँ जो लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं 3-4 हज़ार लोग हर दिन आके खाना खाते होंगे। 4 हज़ार नहीं खाते हैं, कम से कम 800 हर दिन का रहता है। टाइमिंग क्या रहता है सर खाने का? 8:30 बजे से रात 9:45 बजे तक। 9:45 बजे से कंटिन्यू खिलाया जाता है? खिलाते हैं। रात में रोटी सब्जी मिलेगी, आज एक दिन तड़का रोटी मिलेगी, जो दिन में है वो रात में नहीं है, रात में है वो दिन में नहीं है, मेन्यू चेंज होते रहता है हमेशा में। हाँ, रात में है चोखा, पापड़ नहीं रहे, बाकी सब कुछ रहेगा। इसके साथ ये बाहुबली थाली क्या है, मतलब ये पहली बार पटना में सुनने को मिला? बाहुबली बना दिए थे, बाहुबली नहीं है, जो है जो सामने है। शुगर पेशेंट लोग हैं उनको करेला खिलाते हैं, भिंडी खिलाते हैं, परवल की भुंजा खिलाते हैं, जब शुगर पेशेंट है। जो देने लायक ना हो, अगर कोई ऐसा आता है आपके पास खाने जो देने लायक ना हो, पैसा ना दे पाए, तो फिर उसको भी खिला देंगे। पैसे नहीं तो इसका कोई जोड़ा नहीं है, क्या करेंगे। मेरे सामने ये है बाहुबली थाली जो मात्र 70 रुपए में हम लोगों को मिला खाने को। देख सकते हैं आप, कोई 56 बॉक्स से कम का तो ये लग नहीं रहा। आइए दिखाते तो नज़दीक से दिखा दीजिए क्या क्या है इसमें। ये रहा भिंडी का भुजिया, सैलेड यहाँ पर है, करेला और आलू का भुजिया, यहाँ पर चटनी और साथ में भुना हुआ, अगर मिर्च के बारे में बात करें तो ऐसे मिर्च नहीं दिया हुआ, ये भुना हुआ है, परवल, फिर अलग से डायबिटिक पेशेंट के लिए स्पेशली करेले का भुजिया, यहाँ पर है चोखा, दाल, चावल, रोटी और पापड़, और यहाँ पे एक सब्जी जो लौकी की सब्जी है, यहाँ पर लौकी आलू की सब्जी, साथ में पानी। अगर कोई भूखा आ जाए यहाँ पर 70 रुपए में उसे इतना कुछ खाने को मिल जाए विदाउट GST, तो इससे बेहतर खाना और पूरे पटना में कहीं नहीं हो सकता। आँख बंद करके आइए, अगर आप शाकाहारी हैं तो यहाँ पर आँख बंद करके आइए, खाइए, टेस्ट कीजिए। चावल की क्वालिटी को थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिए, चावल की क्वालिटी को। बहुत जगहों पे हम कार्ड वाले चावल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलाव वाले चावल का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को खिलाने के लिए। और 70 रुपए में भरपेट खाना, ऐसा नहीं है कि आपको ये खाना मिल गया, अगर आपको और ज़्यादा भूख है आप और क्वांटिटी मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं मात्र 70 रुपए में। चावल के, अगर चावल यहाँ पे बहुत लोग खा रहे हैं तो कितना चावल लग जाता होगा एक दिन में, सुबह से शाम? 1 क्विंटल लग जाता है। 1 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल आटा, 4 रोटी चावल खिलाते हैं, भरपेट खिलाएंगे, मगर जी, 4 रोटी चावल भरपेट खिलाएंगे। बढ़िया, देखिए चावल उधर है जी, करेला कटा हुआ है, भिंडी कटा हुआ है, सब तेल है, स्कूटर तेल यूज करते हैं, विधायक से लेके नेता से लेके सब आते हैं आपके पास? आते हैं, जो हमको पसंद करते हैं सब आते हैं। अतिक्रमण वाले का सुनने में आया कि अतिक्रमण वाले आते हैं और आप लोगों को परेशान कभी कभी करते हैं। अतिक्रमण का काम है आना, हम लोग का काम है रह जाना, वो सब तो आते जाते रहता है। इतना आदमी खाएंगे कहाँ, बेरोजगार हो जाएंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे तो इतना लोग भूखे रह जाएंगे। अपील भी करना चाहते हैं सरकार से कि मतलब आपको परमानेंट कर दिया जाए इस जगह को, या फिर कुछ भी? परमानेंट हो जाएगी तो अच्छी बात ना है, सरकार किराया लेगी, परमानेंट कर देगी तो हम लोग को अच्छी बात ना है। कितने लोग काम करते होंगे आपके पास में टोटल वर्कर? 20 लोग और 2 लोग हम लोग हैं, 22 लोग। 22 लोगों को आपने, मतलब 21 लोगों को आपने रोजगार दिया हुआ है यहाँ पर, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2 हम लोग भी स्टाफ पे हैं, 22 लोग जोड़ दीजिए,
हम लोग भी तो स्टाफ है ना। हाँ अभी सर को देखा कि सर कुछ काट रहे थे, छील रहे थे, आलू छील रहे थे सर आप, तो मतलब मालिक हो के किचन के काम में लगना। तो इधर रहते हैं, कभी लोहिया काटेंगे, कभी रोटी बेलेंगे, सब काम करेंगे। हम तो बिहार सरकार से ये कहना चाहेंगे कि इस होटल ओनर को प्रोत्साहित करते हुए इस जगह को जनमानस को देखते हुए, उनके भावना को देखते हुए अलॉट कर देना चाहिए जहाँ ये लंगर निरंतर चलता रहे। खाने के बारे में सर बताइए। खाने तो बहुत अच्छा है, रोटी सब्जी दाल चावल जो खाना है सो खाइए, भुजिया पापड़, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? हम अनी नगर विधानसभा से आए हैं, अनी नगर प्रखंड से। जी तो मतलब जब आते हैं तो यहाँ पे खा के ही जाते हैं? यहीं पर खा करके जाते हैं। शाकाहारी खाने के लिए बेस्ट मान लिया जाए, है ना, इस होटल को? जी जी, शाकाहारी सबसे बेस्ट खाना यहाँ मिलता है। आमतौर पे मतलब होटल्स में तेल वेल के बारे में सुनते हैं कि जला हुए तेल में बन गया या फिर कुछ बन गया, यहाँ का कैसा है? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, खाना बहुत अच्छा बनता है। हमको इस होटल के बारे में जानकारी करीब 8 महीना पहले हुआ है, तो उसके बाद जब भी हम पटना आते हैं तो आसपास के 5-7 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ आकर के खाना। कुछ बताएंगे सर खाने के बारे में? जी यहाँ बहुत बढ़िया, सस्ता और सबसे बेहतर खाना है। खाने में इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी सब बेहतर है, और यहाँ इनकी वर्कर हमेशा टेबल पर खाना पहुँचाए जा रहे हैं, और किसी तरह का यहाँ परेशानी नहीं है। क्या क्या खाएं आप यहाँ पर? दाल चावल, करेला के भुजिया, आलू के भुजिया, चटनी, हरा मिर्च, सलाद, बहुत बेहतर तरीके से खाना खिलाए हैं। बहुत कम जगह पे अभी ऐसा कुछ मिल रहा है खाने के लिए, क्योंकि घर के खाने से हम लोग जो एक लगाव रखते हैं, शहर में आने के बाद हम लोग को कोई तला हुआ सब कुछ मिलता है। नहीं, कहने का मतलब घर पर भी, घर के तो खाना खैर सबसे बेहतर होता है, लेकिन अगर सेकंड रूप देखा जाए तो ये घर के खाना के जैसे ही बनता है यहाँ पे। बिल्कुल जागरूकता की ज़रूरत है कि अगर आप कहीं पे हैं तो आप जिम्मेदारी के साथ उस जगह को साफ रखिए। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारी जिम्मेदारी एक तरीके से। हम होटल को या फिर कहीं किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि उनकी गलती है, क्योंकि करने वाले बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। जो इतना बड़ा होटल चला रहा है, इतना बड़ा बाहुबली थाली दे रहा है आपको, तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इसको साफ रखिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और यहाँ पर आकर उसको ज़रूर टेस्ट कीजिए। थैंक यू।